ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था स्विट्जरलैंड से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ऑल्सो कुछ प्रोडक्ट का नाम बताया था, लिस्ट करके दिखाया था आपको स्विट्जरलैंड क्या क्या प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट कर रहा है। तो आज का टॉपिक में मैं आपको पूरे डिटेल्स में लिस्ट करके बताऊँगा स्विट्जरलैंड फिलहाल ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कितने सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है। ये प्रोडक्ट्स को आप इंडिया से सोर्स करके स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से स्विट्जरलैंड जा रही है एक्सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबली स्विट्जरलैंड इंपोर्ट कर रहा है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, केमिकल्स इंपोर्ट कर रहा है, मशीनरीज एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह इंपोर्ट कर रहा है। ऑल्सो गारमेंट्स टेक्सटाइल एंड प्रेशियस स्टोन्स जैसा कि जेम्स ज्वेलरी वगैरह इंपोर्ट कर रहा है। तो ये सब प्रोडक्ट्स को आप इंडिया से ही सोर्स करके स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। और स्विट्जरलैंड को कैसे एक्सपोर्ट करोगे वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो में स्विट्जरलैंड से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा वो भी बता चुका हूँ। तो आइए मैं आपको पूरे लिस्ट करके बता रहा हूँ ये स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड क्या क्या प्रोडक्ट्स का डिमांड है स्विट्जरलैंड में फिलहाल। तो वर्ल्ड वाइड स्विट्जरलैंड इंपोर्ट कर रहा है, तो फिलहाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अगर आप ये प्रोडक्ट्स को सोर्स करके इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाओगे तो स्विट्जरलैंड ये प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेगा। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए।
आपको लिस्ट करके बता दिया स्विट्जरलैंड क्या क्या प्रोडक्ट्स ग्लोबली इंपोर्ट कर रहा है, और ग्लोबली जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो प्रोडक्ट को सोर्स करके आप स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। स्विट्जरलैंड एक हाईली रिच कंट्री है, वेल्थीएस्ट कंट्री है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड से आपको पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, आइदर एलसी में पेमेंट मिलेगा आपको या आपको एडवांस में पेमेंट मिलेगा, तो स्विट्जरलैंड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्विट्जरलैंड को टारगेट करके मैं जैसे आपको बताया था वेबसाइट बनाकर स्विट्जरलैंड का जो वहाँ का जितने सारे इंपॉर्टेंट साइट है वहाँ पर रजिस्टर करके बायर ढूंढिए, और स्विट्जरलैंड को टारगेट करके गूगल सर्च गूगल एड में एडवर्टाइजमेंट करिए, और जितने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर इंस्टाग्राम इसमें आप एडवर्टाइजमेंट करके जर्मन लैंग्वेज में स्विट्जरलैंड को टारगेट करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा स्विट्जरलैंड से। तो बहुत सारे आप लोग मुझे मेल कर रहे हो और कमेंट्स भी लिख रहे हो बात करने के लिए, तो मेरा काम के वजह से मेरा ट्रैवलिंग एंड काम के वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आप जो नंबर दिखा रहा हूँ ये नंबर पे व्हाट्सअप करिए, तो मैं आपको टाइमिंग दूंगा, तो टाइमिंग देने के बाद आप मुझे मुझसे बात कर सकते हो। जो भी कंसल्टिंग का इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ भी कंसल्टिंग है आप पहले मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं इंडिया में हूँ या बाहर हूँ आप मुझे पहला व्हाट्सअप करिए, तो मैं आपको टाइमिंग दूंगा, टाइमिंग देने के बाद ही मैं आपको कॉल करूंगा, मैं इंडिया में ये हूँ या बाहर कहीं भी हूँ मैं आपको कॉल करूंगा, कॉल करने के बाद हमारा आपसे बात हो सकता है, जो भी बात है ऑन टेलीफोनिक डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आप मुझे पहले कॉल करने से पहले मुझे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप मेरा जवाब मिलने के बाद हम आपको कॉल करेंगे या आप मुझे कॉल करोगे, ठीक है। तो जो नंबर है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंसल्टिंग के लिए। स्विट्जरलैंड में मार्केटिंग करने के लिए ऑनलाइन में स्विट्जरलैंड में मार्केटिंग करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो हमारा कंपनी फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर इंस्टाग्राम जितने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट एंड गूगल सर्च गूगल एंड में एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, तो हमारा कंपनी भी एक डिजिटल मार्केटिंग हमारा एक विंग है, तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाना है तो आपको स्विट्जरलैंड को टारगेट करना है तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप स्विट्जरलैंड हो या कोई भी कंट्री हो या वर्ल्ड वाइड 50,000 रुपया 40 से 50,000 रुपया 40 to 50,000 रुपीस हर महीना खर्चा करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि पैसा जो आप दोगे उसमें फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट होगा लिंक्डइन में होगा इंस्टाग्राम में होगा गूगल में होगा, तो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपका वेबसाइट का रैंक धीरे धीरे ऊपर आएगा, आने के बाद आपको बायर्स इंपोर्टर्स ग्लोबली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलेगा, अभी कॉम्पिटेटिव दुनिया हो चुका है पूरा वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन में मार्केटिंग चलता है, तो आपको अगर आपका सिटी में कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसको काम मालूम है फ्रेंच लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट करना कैसा है इंग्लिश में कैसा करना है, जैसे कि आपको साउथ कोरिया में आपको मार्केटिंग करना है जापान में मार्केटिंग करना है तो आपको जापानीज लैंग्वेज में मार्केटिंग करना पड़ेगा, कोरिया में आपको कोरियन लैंग्वेज में करना पड़ेगा, रशिया में रशियन लैंग्वेज चाइना में चाइनीज लैंग्वेज, तो आपका सिटी में अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसको मल्टी लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट उनको आता है तो ऐसे एजेंसी को कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो आपका पैसा ऐसा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो हमारा जो स्टाफ है यूरोपियन कंट्री में हमारा जो स्टाफ काम कर रहे हैं तो आपका ऑनलाइन मार्केटिंग ठीक से करेंगे, स्विट्जरलैंड हो बेल्जियम हो रशिया हो कहीं भी हो ऑनलाइन मार्केटिंग हम ठीक से करेंगे, लेकिन आपको हर महीना 50,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और आपको एक साल में 6 से 7 लाख रुपये अगर खर्चा करोगे डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन मार्केटिंग में तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, अगर आप पैसा खर्चा नहीं करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। उसके बाद वीडियो मार्केटिंग, वीडियो में हमारा कंपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश रशियन जापानीज चाइनीज जर्मन स्पेनिश एंड अरेबिक जितने लैंग्वेज बता दिया ये लैंग्वेज ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ज़्यादा लोग समझते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं, ये जो इंग्लिश बता दिया इंग्लिश रशियन देन जापानीज चाइनीज एंड आपका जर्मन स्पेनिश अरेबिक ये जितना लैंग्वेज बता दिया ये लैंग्वेज में आपको वीडियो मार्केटिंग करना है, तो ये जो लैंग्वेज है इसका वीडियो हमारा कंपनी में डेवलप करता है इस टाइप का वीडियो, तो आपका जो कंपनी का जो वीडियोज है आपका कंपनी का बारे में जो वीडियोज है ये लैंग्वेज में मल्टी लैंग्वेज में बनेगा और उसका मार्केटिंग होगा। एग्जाम्पल आपको स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट करना है तो आपको स्विट्जरलैंड में जर्मन लैंग्वेज चलता है तो जर्मन लैंग्वेज में वीडियो बनेगा आपका कंपनी का डेडिकेटेड वीडियो बनेगा 10 मिनट का, तो ये वीडियो बनने के बाद जो जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज है जैसे हो गया स्विट्जरलैंड बेल्जियम
चेक रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब कंट्री में मार्केटिंग होगा, ठीक है। लिक्टेनस्टाइन में भी जर्मन चलता है, लिक्टेनस्टाइन, देन स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ये जो देश बता दिया इन्हीं देश में जर्मन लैंग्वेज बनता है, चलता है, वहाँ लोग समझते हैं, बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज में वीडियो बनता है आपका कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, 10-10 मिनट का, बनने के बाद आपका वीडियोस ये देश में, जो देश बता दे इस देश में मार्केटिंग होगा, तो यहाँ का लोग आपका कंपनी के बारे में जानेंगे, जानने के बाद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो मार्केटिंग करना है स्विट्जरलैंड के साथ साथ जर्मन स्पीकिंग कंट्री के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और रशियन लैंग्वेज में अगर वीडियो मार्केटिंग करना है, रशियन लैंग्वेज कहाँ कहाँ चलता है, बहुत सारे देश में रशियन लैंग्वेज चलते हैं, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो देश बता दिया इन्हीं देश में रशियन भाषा समझा जाता है, बोलते हैं, समझते हैं लोग। अगर आप रशियन भाषा में, रशियन लैंग्वेज में वीडियो बनाकर इन्हीं देश में मार्केटिंग करोगे तो आपको वहाँ से ऑर्डर मिलेगा। तो अगर आपको रशियन लैंग्वेज में बनाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 10 मिनट का डेडिकेटेड वीडियोस। उसके बाद अरबिक लैंग्वेज में अगर आपको गल्फ कंट्रीज को टारगेट करना है, यूएई, सऊदी अरबिया, अमन, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, देन हो गया आपका इराक एंड इजिप्ट, ये जो कंट्रीज बता दिया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, लेबनान हो गया, तो जो देश बता दिया इन्हीं देश में अरबिक समझते हैं, बात करते हैं। तो अगर आपको इन्हीं कंट्री को टारगेट करना है, इन्हीं देश को टारगेट करना है, तो अरबिक लैंग्वेज में वीडियो बनाकर इन देश को देश में मार्केटिंग करना है, तो हमारा टीम, हमारा कंपनी अरबिक लैंग्वेज में भी वीडियोज बनाता है। अगर चाइना को टारगेट करना है, चाइना, ताइवान जैसा कंट्री को टारगेट करना है, तो चाइनीज भाषा में भी आपको वीडियो बनाना है, तो चाइनीज भाषा में भी हमारा कंपनी आपको वीडियो बना के देगा। तो वीडियो मार्केटिंग करिए, वीडियो मार्केटिंग डेडिकेटेड वीडियो आपका प्रोडक्ट के बारे में, आपका कंपनी के बारे में 10-10 मिनट का वीडियो बनाकर आप इन्हीं कंट्री को टारगेट कर लीजिए। और एक वीडियो में नहीं होगा, कम से कम 10 वीडियो बनाकर अलग अलग कंट्री में टारगेट करोगे तो धीरे धीरे वीडियो का रैंकिंग आएगा, मार्केटिंग होगा, तो कंपनीज, इंडिविजुअल्स एंड बहुत सारे जो इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स वगैरह आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वीडियो मार्केटिंग बहुत जरूरी है, आजकल ज़्यादा करके लोग वीडियो देखते हैं, तो वीडियो मार्केटिंग जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग, गूगल सर्च, गूगल एड वगैरह बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हीं जो बता दिया मार्केटिंग में पैसा खर्चा करना चाहते तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग, देन आपका वीडियो मार्केटिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। उसके बाद ब्लॉग मार्केटिंग, ब्लॉग हो गया, अलग अलग लैंग्वेज में ब्लॉग बना सकते हो आप, तो उसके लिए भी हम अलग चार्ज करते हैं, ब्लॉग के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लॉग के बारे में बताऊंगा। तो ब्लॉग मार्केटिंग बहुत जरूरी है, अगर ब्लॉग मार्केटिंग करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो डिटेल्स में बता दिया, स्विट्जरलैंड का जो सीरीज में 4-5 वीडियो में बना दिया आपको, स्विट्जरलैंड को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, स्विट्जरलैंड से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, स्विट्जरलैंड क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्वे के ऊपर वीडियोस लाएंगे और आइसलैंड के ऊपर वीडियोस लाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। और अगर आपको प्राइवेट वीडियो के द्वारा ट्रेनिंग लेना है तो आप इस वीडियो का जो मेंबरशिप ले लीजिए, मेंबरशिप 159 रुपीस पर मंथ है। मेंबरशिप लेने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्राइवेट वीडियोज मिलेगा, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ला पाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।